कांग्रेस महासचिव और हाल ही में सिरसा से सांसद चुनी गई कुमारी शैलजा अब फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही हैं। 2,68,497 वोटों के शानदार मार्जिन से जीत दर्ज करने के बाद मैडम शैलजा का जोश सातवें आसमान पर है और अब वो अपने विरोधियों को खुलकर फटकार लगा रही हैं। अम्बाला पहुंची शैलजा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में खूब उन पर अपनी भड़ास निकाली। 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की हार के पीछे शैलजा ने सीधा टिकट बंटवारे को जिम्मेदार ठहरा दिया और अब ये सबको पता है कि कांग्रेस में ज्यादातर टिकटें भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर ही दी गई थी। कुमारी शैलजा की इस मुखरता के पीछे आगामी विधानसभा चुनावों को बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि मैडम का टारगेट इस बार हरियाणा के सीएम की कुर्सी है। अंत में अब आप खुद सुनिए कि कुमारी शैलजा आजकल किस कदर अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर चुकी हैं। एग्जिट पोल पे तो पोल खुल गई, वो तो आपने देख लिया। अब मीडिया में जिस प्रकार से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और मीडिया को तो तोता बना के रख लिया, जो पीछे बोलेंगे वो मीडिया बोले, वो आपने देख लिया। और वो दो दिन में पर्दाफाश हो गया उस बात का जब असली नतीजे आए, तो क्या क्या निकला ये बात जरूर है। देखो जिस तरह का लोगों का मूड था, अगर टिकट वितरण ऊपर ठीक से फीडबैक दिया होता, मैं और मेरा की राजनीति ना होती, मेरिट पे हम टिकटों का आकलन करते, तो जरूर मुझे विश्वास है कि हम 10 की 10 सीटें जीत सकते थे। लेकिन अब जो हुआ जैसे हुआ वो सबको पता है, सबके सामने है। ज्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद देख सकते हो कहां पे क्या कमजोरी रही। मुख्यमंत्री के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने हम ढंग से टाइम से नहीं फैसले ले पाए, इसको क्या क्या बोले। हमारे प्रभारी ने भी टाइम से सही सलाह दी होती ऊपर, तो शायद नतीजे हम 10 के 10 दिखाते। अब इनकी देख लो बात, ये तो यहाँ से MLA थे ना, यहाँ से इन्होंने काम किया। हिसार से क्यों इनकी आवाज उठ रही थी? मेरी आवाज उठ रही थी सिरसा से, इनकी आवाज हिसार से उठ रही थी। लाखों से जीतते ही है भिवानी से श्रुति, हम तो यात्रा, हमने यात्रा की, राहुल जी का संदेश हम लेकर गए, यहाँ भी पूरे हरियाणा में हम यात्रा में गए, हमने मूड देखा। और मुझे लगता है कि मूड बदलने में हमारा जैसे एक तिनके का एक बूंद का योगदान होता है, हमारा भी एक बूंद का योगदान था उसमें हमारी यात्रा। भिवानी में भी हमने देखा अगर श्रुति को टिकट मिलती तो वो लाखों से जीतते। मेरी थी बिल्कुल, मैं तो शुक्र गुजार हूँ। जनरल सीट पे लोगों ने मुझे भी कहा कि भाई मैं भी लड़ सकती हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ बिल्कुल। लेकिन चंद्रमोहन जी की एक पॉपुलर डिमांड थी वहां पे, ये भी ऐसे उठी नीचे से, ये तो कहीं एप्लीकेंट भी नहीं थे, लाखों से जीत सकते थे। लेकिन उसके बावजूद हमने हिसार की सीट भी जितवाई। देखो कोशिश होगी हमारी तो कि हम सही फीडबैक देंगे और जो कमियां इस बार रही वो कमियां ना आए, ये हमारा प्रयास होगा कि वो कमियां ना आए। और ये मैं और मेरा, मैं बार बार कहती हूँ, आज से नहीं कह रही, मैं पहले से कहती हूँ, ये मैं और मेरा की राजनीति खराब करती है। ये मैं और मेरा की राजनीति चलेगी तो फिर हरियाणा के लोगों की जो चाहते हैं उनके साथ भी तो धोखा होगा।